हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। लास्ट क्लास में हमने किया था यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। अब यूनिट सेकंड का फर्स्ट चैप्टर था यूनिफॉर्म मोशन, अब हम यूनिट सेकंड का सेकंड चैप्टर करेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। उसके लिए सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए व्हाट इज दिस मीनिंग ऑफ एक्सेलरेटेड और एक्सेलरेशन, इसका क्या मीनिंग है। तो सबसे पहले हम एक्सेलरेशन समझेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सेलरेशन। चलिए इसके लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक बॉडी कोई ए से चली और बी पर पहुंची। कहां से चली? ए से चली और कौन से पॉइंट पर पहुंची? बी पॉइंट पर पहुंची। एट ए उसकी वेलोसिटी थी यू, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? यू। फाइनल वेलोसिटी कितनी है? वी। मान लीजिए वेलोसिटी यू थी एट टी इज इक्वल टू जीरो और फाइनल वेलोसिटी वी है टी इज इक्वल टू टी, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी यू, फाइनल वेलोसिटी वी, एट टी इज इक्वल टू जीरो, एट टी इज इक्वल टू टी। देन एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। एक्सेलरेशन किसके इक्वल होगा? हमारा चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय ए, ऊपर एरो मार्क लगा है, इसका मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन होती है। चेंज इन वेलोसिटी v माइनस u, फाइनल माइनस इनिशियल, अपॉन चेंज इन टाइम, फाइनल टाइम t, इनिशियल टाइम जीरो, t माइनस u, देन दिस विल बी आवर एक्सेलरेशन। ये हमारा क्या होगा? एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन को आप क्या डिफाइन कर सकते हैं? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, क्लियर। अगर हम यूनिट देखें, यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, ऊपर है वेलोसिटी, नीचे है टाइम। वेलोसिटी की यूनिट आपको पता है मीटर सेकंड माइनस वन, टाइम की यूनिट सेकंड। ऊपर जाके क्या आ गया? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसको ये भी लिख सकते हैं मीटर सेकंड माइनस टू, क्लियर है। तो दिस इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, क्लियर। आगे चले तो अब एक्सेलरेशन किसी बॉडी में आता कब है? एक्सेलरेशन किसी भी बॉडी में तब आएगा अगर बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही है, मतलब चेंज इन वेलोसिटी ऑकर्स। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से कोई बॉडी जा रही है यानी वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा तो क्या होगा? एक्सेलरेशन जीरो होगा, क्लियर। अब एक एग्जांपल से समझते हैं व्हाट इज दिस यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है क्या, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, जैसा कि आपको याद है हमने यूनिफॉर्म मोशन में किया था ना, हमने माना था 9 बजे कोई बॉडी यहां है, 10 बजे यहां है, वैसे ही एक एग्जाम्पल लेते हैं, क्लियर। मैंने ले लिया टाइम, हमने ले ली फिर पोजीशन, फिर हमने ले ली वेलोसिटी, फिर हमने ले लिया एक्सेलरेशन, क्लियर। अब की बार चार चीजें ली, टाइम, पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। टाइम 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, ठीक है। पोजीशन 0 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, अगली मैंने अगली 30 किलोमीटर, अगली 60 किलोमीटर, अगली 100 किलोमीटर, क्लियर है। अब देखिए 9 से 10 के बीच में वेलोसिटी क्या आई? 10 किलोमीटर पर आवर। 10 से 11 के बीच में वेलोसिटी क्या आ गई? 20 किलोमीटर पर आवर। 11 से 12 के बीच में वेलोसिटी कितनी आ गई? 30 किलोमीटर पर आवर। 12 से 1 के बीच में टाइम 1 आवर, डिस्टेंस 40 किलोमीटर, तो वेलोसिटी क्या आ गई? 40 किलोमीटर पर आवर। यानी क्या हो रहा है आपके पास? वेलोसिटी लगातार इंक्रीज हो रही है, क्लियर। अब इसका उल्टा कर दिया, मान लीजिए 9 बजे 100 किलोमीटर पे, 10 बजे 60, 11 बजे 30, 10 और 0 उल्टा कर देंगे तो वेलोसिटी डिक्रीज होती जाएगी 40 से 30, 20, 10, ऐसा ही होगा, क्लियर। अब जरा एक्सेलरेशन पे आते हैं।
एक्सलरेशन है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन. चेंज इन वेलोसिटी होगी 10 से 20 हो गई. एक्सलरेशन हो गया सॉरी चेंज इन वेलोसिटी 10 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर. एक्सलरेशन हो गया 10 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर. एक्सलरेशन हो गया 10 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर. देखिए जरा एक बार एग्जांपल को. एग्जांपल में क्या हो रहा है आपके पास, लगातार वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है और एक्सलरेशन है आपके पास कांस्टेंट. इट मींस इसका मतलब क्या है कि जब लगातार वेलोसिटी आपकी चेंज हो रही है तो एक्सलरेशन आ रहा है. यूनिफॉर्म मोशन में क्या था हमारे पास, एक बार बनाओ आप देखना चाहेंगे. इन यूनिफॉर्म मोशन में क्या था हमारे पास, एक बार देखिए. टाइम पोजीशन वेलोसिटी 9 बजे 10 11 12 1 पोजीशन थी 0 किलोमीटर 10 20 30 40 वेलोसिटी थी 10 किलोमीटर पर आवर 10 किलोमीटर पर आवर 10 किलोमीटर पर आवर 10 किलोमीटर पर आवर. मतलब क्या है, पोजीशन चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, या इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम था तो यूनिफॉर्म मोशन था. यहां डिस्टेंस अलग लेकिन वेलोसिटी इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन सेम. दैट मोशन in which acceleration is same is called uniform accelerated motion. Example को देखिएगा एक second. That motion in which acceleration is same is called uniform accelerated motion. वो motion जिसमें acceleration same रहता है उसे हम uniform accelerated motion कहते हैं. Clear हो गया, चले आगे बोलिए. चलिए थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं हम इसको यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन को ही. अगर अब हम इसमें हमें दो चीजें समझ में आई हैं. पहली चीज जो हमें बिल्कुल क्लियर हो गई है कि फॉर एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन के लिए वेलोसिटी मस्ट चेंज. क्लियर, वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो एक्सेलरेशन, डिक्रीज होगी तो रिटार्डेशन. दूसरी चीज, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए एक्सेलरेशन शुड रिमेन सेम. एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, सेम रहना चाहिए. तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन क्या हो गया आपके पास, दैट मोशन इन विच एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी रिमेन सेम. किसी बॉडी का एक्सेलरेशन क्या रहे, हमेशा सेम रहे. एक्सेलरेशन सेम रहे, वेलोसिटी आपकी इंक्रीज या डिक्रीज कुछ भी हो सकती है. इफ वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग देन बॉडी इज कॉल्ड to have acceleration. Yani velocity increase hogi to hum kahenge body mein kya hai, acceleration. Ek second case aur ho sakta hai, agar hamare paas kya ho raha ho, velocity decrease ho rahi ho. Kya ho raha ho, velocity decrease ho rahi ho. If velocity is decreasing, then body have retardation. तो body में क्या होगा, retardation होगा. है ये भी एक तरह का acceleration, but it is of negative sign. Negative sign means अगर body की velocity क्या हो रही हो, decrease हो रही हो, तो हमारा क्या कहलाएगा, रिटार्डेशन कहलाएगा. चले आगे बोलिए. अब वही काम करते हैं, इसके हम ग्राफ्स पढ़ते हैं. जैसे हमने यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ पढ़े थे, याद है आप लोगों को यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ. बोलिए, एक बना के पूछूं,
किसके लिए है वो ग्राफ? चलिए एक ग्राफ मैं बनाता हूं और पूछता हूं ये ग्राफ किसके लिए है। ये लीजिए, मैंने ले लिया पोजीशन और टाइम के बीच में ग्राफ और ये रहा। बताइए कौन से मोशन के लिए है? सोचिए, यूनिफॉर्म मोशन, स्ट्रेट लाइन है, है ना? क्लियर। चलिए अब हम ग्राफ बनाते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए। किसके लिए ग्राफ बनाते हैं? यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए। ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। करें स्टार्ट। चलिए पहला फर्स्ट एक्स टी ग्राफ। एक्स टी ग्राफ क्या कहलाएगा? पोजीशन टाइम ग्राफ। कौन सा ग्राफ? पोजीशन टाइम ग्राफ क्या होगा हमारा? एक्स टी ग्राफ। चलिए एक बार एग्जांपल यही ले, यही वाला एग्जांपल। चलिए यही वाला लेते हैं। यहां है हमारी एक्स, ये है हमारा टाइम। टाइम क्या था? 9, 10, 11, 12, 1 यही था। पोजीशन देखना, 0, 20, 40, 60, 100 ठीक है। चलिए देखिए 9 बजे कहां थी पोजीशन? 0 किलोमीटर। नहीं देखिए भाई, 9 बजे 0। 10 बजे कहां थी पोजीशन? 10 किलोमीटर। ये 10 बज गए भाई। 10 बजे 0 से 20 के बीच में यहां मिलेगी, ये लीजिए। इसको आगे किया, इसको नीचे किया, पोजीशन आ गई, ठीक है। 11 बजे कहां थी पोजीशन? 30 किलोमीटर पर। 20 और 40 के बिल्कुल बीचों बीच, 30 किलोमीटर। 12 बजे पोजीशन 60 किलोमीटर, ये रहा 60 आगे किया, ये रहा 12, 60 किलोमीटर बोलिए। और 1 बजे पोजीशन कहां है? 100 किलोमीटर, ये रहा 100 किलोमीटर। क्लियर है? अब अगर मैं इन पॉइंट्स को मिला हूं, ये स्ट्रेट लाइन बना, नहीं बनाना, स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा। तो पोजीशन टाइम ग्राफ किसके केस में? यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के केस में अगर आपको बनाना पड़े तो अब इसको एक बार साफ करके सिंपल ग्राफ बना लूं। एग्जांपल से हमने बनाया, ये बना दिया हमने इसको सिंपल ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ ऐसा बनेगा, ठीक है, क्लियर। तो इस तरह से हम कह सकते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का बनेगा। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे? इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्या आप गेस कर सकते हो कैसा बनेगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ? चलिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखते हैं हम इसका। ये लीजिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ। चले चलिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखते हैं। फिर भाई एग्जांपल यही ले लूं, ले लीजिए 9, 10, 11, 12, 1, 10, 20, 30, 40, 50 इधर वेलोसिटी और इधर टाइम। 9 बजे 0, 10 किलोमीटर पर आओ, 10 बजे 20, 30, 40, 0, 10 बजे 10, 20, 30, 40 सारी लाइंस को मिला दिया। कैसा ग्राफ आया? स्ट्रेट लाइन। कैसा ग्राफ आया? स्ट्रेट लाइन। देखिए एक बार ध्यान से, ऐसा ही बनेगा। तो हमें क्या समझ में आया है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ किसमें? यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में कैसा आता है? स्ट्रेट लाइन आता है। कैसा आता है? स्ट्रेट लाइन। क्लियर। अब मैं दोनों ग्राफ्स को एक साथ बनाता हूं, दोनों ग्राफ्स को एक साथ बना लूं, या हम कंपेयर करते हैं यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के ग्राफ्स कंपेयर करते हैं। अगर हम ग्राफ्स दोनों मोशन के कंपेयर करें, चलिए
कंपेयर द ग्राफ। इधर लिख दिया मैंने यूनिफॉर्म मोशन, कैसा लिख दिया यूनिफॉर्म मोशन, और इधर लिख दिया मैंने यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन।